मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू ऑल दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग टुडेज अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कमिटी पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी मिसयूज बाय नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह एंड बीजेपी गवर्नमेंट्स। नाउ टुडे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी, अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी, अरुणाचल प्रदेश सेवा दल, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी, अरुणाचल प्रदेश यंग वर्गर्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी, ब्लॉक कांग्रेस कमिटी एंड पीपल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट अगेंस्ट भाजपा गवर्नमेंट। आज का यही प्रोग्राम को हमारा अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी कॉम एमएलए कीर्तन सगाली एंड चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अचिन आबम तोकी जी के साथ आज हम अरुणाचल से ये एक कुछ प्रोटेस्ट रखा। ये पॉइंट है, लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट एक है, आप सब मालूम होगा नेशनल हेराल्ड केस, ये एक बहुत पुराना केस है। ये सालों से केस चल के 2015 में केस को क्लोज किया गया था अंदर बीजेपी गवर्नमेंट। इसको हमारा गांधी फैमिली के इन लोग टारगेट में करते करते 2015 में इनका कुछ क्लू नहीं मिला, तो इन लोग जो ईडी डिपार्टमेंट से क्लोज करके रखा था, तो आज 8 साल का बाद इनका फिर केस को रिवाइव किया। तो आज का दिन में हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट एआईसीसी मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को नोटिस किया। आज का दिन में हमारा राहुल गांधी जी, हमारा एक नेता, आज ईडी ऑफिस में सामूल किया गया। इस खिलाफ में हम लोग राहुल गांधी का साथ के लिए आज ये प्रोटेस्ट है। तो आप सबसे इनका बीजेपी का मकसद क्या है, ये चीज मैं थोड़ा एज ऑर्गेनाइजिंग के चेयरमैन की ओर से थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप मालूम है 2013 यूथ बॉल वर्ल्ड कप पोर्टल में गवर्नमेंट आके हमारा सारा इंडिया का यूथ को हर साल में 2 करोड़ नौकरी देगा बोल के, डेवलपमेंट देगा बोल के, तो इनका अभी इवन नॉट इम्प्लीमेंटेड सिंगल इलेक्शन मिनी पिस्तौल सिंस 2014 टू टिल देट। इनका एक दोनों का, अमित शाह और ये मोदी साहब दोनों का एक मानसिकता ठीक नहीं है, इसका ऐसा सिचुएशन आ रहा है। नंबर वन। नंबर टू जो है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी ने खुद पार्लियामेंट पास किया कि हम 75 बनने का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, तो इनका बात अभी एज पहुंच रहा है, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी गिरेगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, तो इस प्रकार का ऐसा एक सोच इनका है। और इसका साथ इनका एक ध्यान रखा है कि लोकसभा इलेक्शन 2023 में आ रहा है। हाँ, इसका मिनिस्टर बोलने का नहीं होगा, कांग्रेस को गाली देते देते खत्म हो गया, वो बोलने का नहीं है, इसका एक ये पॉइंट है। एंड 2024 को विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा जनरल इलेक्शन। हाँ। इनका कुछ मिनिस्टर नहीं है, तो दोनों का इस प्रकार है। और इसका बाद 2 साल से 8 साल में क्या काम कर रहा है नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, इनका बिजी इन रिलीजियस पॉलिटिक्स और हमारा यूपी गवर्नमेंट का स्कीम को चेंज करना। हाँ, नया स्कीम नहीं है, इसको बनाकर घूम रहा है, इसको पब्लिक पता है, तो आप ऐसा काम कर रहा है, यही है। और आखिरी लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट बोलता है ये गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट हो, राज्य हो, सेंट्रल हो, गवर्नमेंट नहीं है, ये आप समझना बहुत जरूरत है। स्टेट है सेंट्रल बीजेपी, ये बीजेपी नहीं है, ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट इज वर्क एजेंसी, ये एक काम कर रहा है हमारा यूपीए गवर्नमेंट का।
हाँ कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रहा था उसको मेंटेनेंस करके नाम चेंज करके एक गवर्नमेंट एक ऐसा चला रहा है, एक गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए यही पॉइंट है हमारे चेयरमैन के हिसाब से, और हमारा तमाम स्पीकर है इन लोग बोलेगा और मेरा बात को मैं इतना ही रखता हूँ। हमारा चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एपीसीसी ऑफिस ब्यूरोस पुरंतर ऑर्गेनाइजेशंस डीसीसी डीसीसी ऑफिस ब्यूरोस सब कार्यकर्ता मेरे मीडिया के दोस्त, आज हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहा हूँ टेनिस कोर्ट इंदिरा गांधी पार्क में, हम सॉलिडरिटी सपोर्ट विद the rest of our party men and women in the country, the protest against the ruling government's decision to harass our Congress leader, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji. And giving notice from ED, the Enforcement Directorate, without any iota of proof. इसलिए सब पूरा देश का कांग्रेस जन कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सारा भारतवर्ष में, और हम लोग ईटानगर में कर रहा हूँ। ये जिस प्रकार से एजेंसी को इन्फोर्स डायरेक्टरेट को एंड अदर एजेंसीज को जो सरकार रूलिंग सरकार मिसयूज कर रहा है पॉलिटिकली ओपोनेंट को हरास करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, इस प्रकार से एक्शंस अगेंस्ट में हम लोग आज धरना कर रहा हूँ। और आप सबको पता है जिस केस लेकर के हमारा नेता को जो नोटिस भेज रहा है और ईडी लोग बुला रहा है वो केस बहुत पुराना केस, पहले सॉल्व किया गया केस है जिसे पहले लोगों ने बताया, उसका जो रिकॉर्ड्स जो नेशनल हेरल्ड केस उसके बारे में आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ताकि हमारा मीडिया और आम जनता हर अरुणाचल का लोग पता चले कि असलियत में ये केस क्या है, क्यों आज यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, क्यों धरना कर रहा है, क्यों आवाज़ उठा रहा है, क्यों स्लोगन में जो स्लोगन जो लिखा है उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा जो दुख दर्द दिल का जो लड़ाई का दर्द को हम लोगों ने स्लोगन में बताया है और उस पर लिखा है। नेशनल हेरल्ड इज ए न्यूज पेपर स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री पुरुषोत्तम नंदन, आचार्य नंदन नरेंद्र देवी, श्री रफी अहमद किदवई एंड आदर्स इन ईयर 1937, इतना पुराना ये न्यूज पेपर है। और इसी न्यूज पेपर का दौरा से यहाँ देश का आंदोलन शुरू हुआ और देश को आज़ादी लाने में ये काम आया। ये इतना पुराना जो न्यूज पेपर है ये आज का नहीं है, टू गिव वॉइस टू द फ्रीडम मूवमेंट इन द कंट्री बाय सेटिंग अप पेपर ओन बाय ए कंपनी कॉल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इट वॉज बैन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1942-1945। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको बंद कर दिया था एक बार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हिच महात्मा गांधी डिस्क्राइब एज अ ट्रेजेडी फॉर द नेशनल मूवमेंट। आज जैसे लोग कर रहे हैं उसी समय में ब्रिटिश सरकार ने भी ये पेपर को बंद किया था और उसी से भारत देश को नुकसान हुआ था। डिस्पाइट एडिटोरियल एक्सीलेंस ऑफ द पेपर, नेशनल हेरल्ड कंटिन्यू टू ब्लीड फाइनेंशियली एंड रेन इनटू लॉसेस एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ रुपीज 90 करोड़। इन ऑर्डर टू हेल्प द नेशनल हेरल्ड न्यूज पेपर टाइड ओवर द क्राइसिस, कांग्रेस पार्टी गेव ए लोन ऑफ रुपीज 90 करोड़ टू इट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बिटवीन
year 2022 to 2011 in about 100 installments. What is important to note is that rupees 67 crores of this of 90 crore loan was used by National Herald to pay salary and DRS of its employees. Rest of the money was used for payment of government dues like electricity charges, house tax, tenancy charges, building expenditure, etc. Those in BJP and their favorites calling giving of loan of rupees 90 crore to National Herald as a crime are saying so out of utter selflessness and maliciousness. It deserves to be rejected. Grant of loan by political party is not a criminal offense under any law in India. How can then grant the loan from time to time totaling of rupees 90 crore by Congress party to Associated Journals Limited, company closely associated with Congress party since 1937, and exposing the ideology of Congress be considered a criminal offense? This loan was duly disclosed in books of accounts of Congress party, duly audited and submitted to Election Commission of India. This is official record. Nothing can be hid. Even Election Commission, by letter dated 6/11/2012, wrote to Subramaniam Swamy, clarifying that there is no provision in Representations of People's Act that prohibits or controls expenditure by a political party. Allegation of Swamy, guilty of a criminal offense, is thus patently false. This rupees 90 crore loan given to National Herald was not possible to be repaid by National Herald and its parent company, Associated Journal Limited. Hence, this rupees 90 crore loan was converted into equity share of Associated Journals Limited, and Indian National Congress cannot own equity shares. The equity were allotted to Young Indian, Section 25, not for profit company. The company called not for profit company. Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, late Oscar Fernandez, late Motilal Bora, Sri Suman Dubey, etc. are managing committee members of this not-for-profit company. Shareholders, managing committee members of a not-for-profit company are prohibited by law from getting any dividend, profit, salary or any other financial benefit. Therefore, question of any gain or profit of financial benefits to either Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi or any other person in Young Indian does not arise. Claim of Swamy public BJP of illegal gain or profit of financial benefit is therefore inherently false. So the jo bola gaya hai log mein logon ko ulta samjha diya gaya. At this short, all income and all assets of National Herald continue to remain exclusive property of Associated Journal Limited. Reason is very simple. Assets are owned by the company, Associated Journal Limited, and not any shareholder. No one has transferred any movable or immovable property assets of Associated Journal Limited, nor has Young Indian withdrawn a single rupee from Associated Journal Limited. Even though Young Indian controls Associated Journal Limited as its own 99% shares,
it cannot give a single rupee to any of its managing committee members because it is not for profit company. Even if Young Indian is liquidated, closed by managing committee member, all proceeds thereof can only go to a not-for-profit company and can never be legally distributed among its shareholders, managing committee members. This, in fact, protects the asset property of Associated Journals Limited for all times to come, as its property can never be sold and utilized by individuals and will always remain with not-for-profit company. In such event, where is the question of committing any crime or making personal gains? Intention of Srimati Sonia Gandhi, Shri Rahul Gandhi, and our leader is clear. The intention is very clearly to ensure that legacy of the Congress Party that National Herald embodies, its values always remain approved, and the National Herald remains our voice in articulating our ideals and principles. This is a battle for truth. Truth has always emerged victorious, and this time also it will. Sri Rahul Gandhi and Congress leadership will emerge shining from this test called Agni Pariksha. ये अग्नि परीक्षा है हमारे लीडर के लिए और ये टेस्ट है क्योंकि ये जो पोलपीट का जो रेल जो ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ये प्रॉफिट वाला एक ऐसे एनजीओ नहीं है सोसाइटी नहीं है ये ऐसे पेपर नहीं है ये पब्लिक के लिए और देश को 1937 से सेवा करते आया हुआ है ये ऐसे न्यूज पेपर है ऐसे कंपनी है और आज भी कांग्रेस पार्टी उसको उसी कंपनी को चला रहा है मेंटेन कर रहा है जैसे हमारे देश का स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया देश के लिए उसका जो एक एसेट है उसको कैसे जोड़ देगा कांग्रेस पार्टी को उसको संभालना होगा कांग्रेस पार्टी उसके लिए बना करके देश को आज़ादी दिलाया उसी पार्टी को आज बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है उसी का लीडर लोगों को उसका परिवार को लोग टारगेट कर रहा है इंटेंशनली ये संविधान का खिलाफ है इसलिए हम आज आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि ये संविधान का खिलाफ है हमारा हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान को रक्षा करना है देश को रक्षा करना है और देश का ये भविष्य के लिए हम लोग आगे काम करना है इसलिए हम जो गलत कदम हमारा लीडर का अगेंस्ट में लीडर का खिलाफ में मैंने गैर कानूनी तरीका से जो हरासमेंट कर रहा है मेंटली टॉर्चर कर रहा है ये तो गलत है और इस प्रकार से राजनीति तो नहीं चलना चाहिए देश में ये तो आज़ादी देश है आज़ाद भारत है आज 75 साल का आज़ादी देश हम मना रहा है तो इसी समय में जो आज़ादी दिलाने वाला पार्टी को उसका लीडर को उसका परिवार को लोग प्रेडिक्ट करना अच्छा ही क्या तो बोलते कि वो देश का सुरक्षा तो लोग करेंगे कैसे करेगा देश को डिवाइड कर रहा है देश का पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर कर रहा है डेमोक्रेसी को खत्म करने जा रहा है सेकुलरिज्म को खत्म करने जा रहा है इस प्रकार से राजनीति चलेगा ये गलत है और हम लोग इसलिए कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया पैन इंडिया मूवमेंट आवाज देने के लिए शुरू किया है कि हम लोग जो गलत है उसको हम लोग सच्चाई को अभी हम लोग बोलना शुरू किया है सच्चाई को हम लोग बोलेंगे और सच्चाई हमेशा जीत होगा इतना भी करके आप सबने पार्टिसिपेट किया और हम लोग पूरा विश्वास है कि देश का कानून रक्षा करेगा और देश का संविधान मजबूत होगा और हम लोग विश्वास करते हैं कि जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एजेंसीज है सरकार का अनेक एजेंसीज है उसको मिसयूज ना करे भारत सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले इतना सरकार आया गया लेकिन कभी मिसयूज तो नहीं हुआ तो ये सरकार क्यों एजेंसी को मिसयूज कर रहा है
ये जो एजेंसी है भारत देश के लिए बनाया, सभी समाज के लिए बनाया, सभी हर इंडिविजुअल सिटीजन्स लोगों के लिए बनाया, उन लोगों का रक्षा के लिए, उन लोगों का सुविधा के लिए, उन लोगों का भविष्य के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए बनाया। वो एक दूसरे के ऊपर में एक दूसरे का एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए, उसको खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको टॉर्चर करके इस प्रकार से राजनीति को नहीं होना चाहिए। ये मेरा मांग है। और आज इस ईटानगर इस टेनिस कोर्ट इंदिरा गांधी पार्क से हम लोग लेंगे धरना से, हम सबको अपील करेंगे कि सब साथ दीजिए ये आवाज़ को बुलंद करने में और जस्टिस को लाने में। हम आप सबसे अनुरोध करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।